जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम सरकार की। सुबह उठते ही अपनी हथेलियां को देखते हुए करें इस मंत्र का जाप, आपका जीवन बदल जाएगा, किस्मत आपकी बदल जाएगी, तरक्की आपके चरणों को स्पर्श करेगी। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हमें प्रातःकाल सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को मिलाकर उनका दर्शन करना चाहिए। यह मनुष्य का सबसे पहले कर्म होना चाहिए। आंख खुलते ही हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले यह कार्य करना है। सुबह अपनी आंखें खोलते समय सबसे पहले अपने हथेलियों का दर्शन करें। अपने हाथ की हथेली देखने से पहले किसी भी वस्तु या व्यक्ति को न देखें। इस छोटे से काम को अपने जीवन का नियम बना ले। यह छोटा सा काम आपकी जिंदगी बदल सकता है। ऐसा कहा गया है कि आपकी हथेलियों में आपके जीवन का मंत्र है, जिससे आप खुद सवार सकते हैं। अपनी हथेली को देखते समय एक मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। सुबह प्रातःकाल सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर देखें और इस मंत्र का कम से कम एक बार जाप जरूर करें। अगर आप रोज सुबह प्रातःकाल अपनी हथेलियों को देखकर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जिंदगी से कष्ट दूर भागेंगे। आप अपने हाथों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गोविंद भगवान को नमन करते हैं। इस काम को आपकी दिनचर्या का एक अनमोल भाग बताया गया है, जैसे नहाना, खाना आदि। यह सब काम जरूरी है। वैसे ही इंसान के लिए सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखना जरूरी माना गया है। इस छोटे से काम से आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। यह छोटा सा मंत्र आपको सभी विघ्न बाधाओं से दूर रखता है और आपका दिन अच्छा जाता है। आपके सभी काम पूरे हो जाते हैं। अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करने चाहते हैं तो इस छोटे से उपाय से अपना दिन संवार सकते हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आखिर वह ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका हमें सुबह उठाती ही जाप करना चाहिए। दोस्तों, वह चमत्कारी मंत्र सुन लीजिए जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप से भी मिल जाएगा। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का मतलब है, हथेलियों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद ब्रह्मा का निवास है। प्रभात यानी सुबह का समय में मैं इनका दर्शन करता हूँ। दोस्तों, इस चमत्कारी मंत्र का काम से कम रोजाना 5 मिनट का जप जरूर करें। वास्तव में आपकी किस्मत बदल जाएगी। इसे जरूर करें और जो भी आपका अनुभव हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रत्येक आधे घंटे में पानी जरूर करती है जल देवता को प्रणाम करके, क्योंकि वास्तव में दोस्तों जल आज के समय में अमृत के समान है। उनका सम्मान जरूर करें, उन्हें प्रणाम जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई विधान के साथ, नई साधना के साथ। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।